हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू जी के बाय अप्सरा आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं राम मंदिर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एम जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बेनिफिशियल रहने वाले हैं वो सभी एम आज हम इस वीडियो में देखेंगे इस वीडियो के फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट राम ललाज लाइफ कंसक्रेशन है सी ट्वेंटी सेकेंड जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेकेंड जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को राम लला के प्राण प्रतिष्ठा तिथि रखी गई और जिसका मुहूर्त रहा था एटी फोर सेकेंड्स का ट्वेल्व ट्वेंटी नाइन थ्री पी एम पर यह शुरू हुआ था और एंड हुआ था ट्वेल्व थर्टी थर्टी फाइव पी एम पर नेक्स्ट हाउ मैनी पिलर्स आर देयर इन राम टेंपल राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 392 राम मंदिर में टोटल 392 पिलर्स हैं और 44 टॉवर्स हैं ये थ्री स्टोरीड मंदिर है जिसमें प्रत्येक फ्लोर की लंबाई 20 फीट है राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन पीरियड रहा 3.5 ईयर्स का इसका आर्किटेक्चर स्टाइल है नागर नंबर ऑफ टॉम्स है 5 और नंबर ऑफ पिलर्स हैं 392, नाइन्टी टू इसकी हाइट है 161 सिक्सटी वन फीट ये है शिखरा ये कर्प ये कुडू मंडप है ये नृत्य मंडप और यह है रंग मंडप स्टेयर्स की चौड़ाई है 16 फीट तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट राम मंदिर जो आपने याद रखने हैं हाउ मेनी फ्लोर्स आर देर इन अयोध्या राम टेम्पल तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थ्री देर आर थ्री फ्लोर्स इन अयोध्या राम टेम्पल वट इज द हाइट ऑफ राम टेम्पल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वन सिक्सटी वन फीट नेक्स्ट द प्लान नंबर ऑफ ऑन द राम मंदिर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी फाइव टेम्पल फाइव मंडप से यानी हॉल से मिलकर बना है इनके नाम है नृत्य मंडप रंग मंडप सभा मंडप प्रार्थना एंड कीर्तन मंडप तो इनके नाम आप याद रखिएगा हाउ मेनी फीट लॉन्ग इज द यूनिक इंसेंस स्टिक दैट विल बी बर्नड इन अयोध्या ऑन 22 जनवरी 2024 राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 108 फीट ये गुजरात में तैयार की गई है और ये अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती है जिसकी हाइट है 108 फीट तो ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ़ राम टेम्पल आंसर विल बी ऑप्शन बी चंद्रकांत सोमपुरा। रिनाउंड आर्किटेक्ट चंद्रकांत बी सोमपुरा और इनके बेटे आशीष के द्वारा राम टेम्पल को डिजाइन किया गया है हाउ मच बजट हैज बिन अप्रूव्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी एटीन हंड्रेड करोरस राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन में 1800 करोड़ रुपीस का बजट रहा है वट मटीरियल वॉज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अयोध्या राम मंदिर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी सैंडस्टोन तो अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया है अयोध्या राम टेम्पल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाई विच कंपनी राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी एल एंड टी लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने अयोध्या राम टेंपल को कंस्ट्रक्ट किया है और फ्रेंड्स याद रखेगा इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया है बात करें लार्सन एंड टुब्रो कंपनी की तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जो कि फाउंड हुई थी सेवंथ फेब्ररी 1946 में इसका हेड क्वार्टर चेन्नई में है और चेयरमैन एंड एम डी है में एस एन सुब्रमण्यम जी नेक्स्ट हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड इज़ इंक्लूडेड इन द राम मंदिर कॉम्प्लेक्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी सेवेंटी एकर्स तो सेवेंटी एकर्स लैंड इंक्लूड है राम मंदिर कॉम्प्लेक्स में नेक्स्ट वॉट इज द हाइट ऑफ द न्यू स्टैचू ऑफ राम लला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिफ़्टी वन इंचज राम लला के न्यू स्टैचू की हाइट है फिफ्टी वन इंचज बात करें रामलला के स्टेचू की तो उसमें विष्णु के दस अवतार को शामिल किया गया है ये दस अवतार है मत् से कूर्म वराह निसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध काल की यहाँ पर आप ओम पद्म चक्र सूर्य गदा शंख स्वस्तिक और यहाँ है हनुमान गरुण कमल इसकी ऊंचाई है 4.24 फीट चौड़ाई है थ्री फीट और इसका वेट है टू हंड्रेड के जी तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिएगा नेक्स्ट हु इज स्कल्पटेड द आइडल्स ऑफ राम लला फॉर द राम मंदिर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी अरुण योगीराज अरुण योगीराज ये कर्नाटक के स्कल्प्टर हैं इन्होंने राम मंदिर के लिए राम लला की मूर्तियाँ बनाई हैं नेक्स्ट हु इज द चीफ होस्ट ऑफ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस प्रोग्राम राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी इज द चीफ होस्ट ऑफ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस प्रोग्राम इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक स्टोन शालिक्राम शिला यूज इन द राम फाउंडेशन राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी सिंबल ऑफ लॉर्ड विष्णु राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर जिसे शालीग्राम शिला कहते हैं इसका महत्व है कि ये सिंबल है लॉर्ड विष्णु का नेक्स्ट विच इज़ द आर्किटेक्चुरल स्टाइल ऑफ अयोध्या राम मंदिर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नगारा तो नगारा स्टाइल में अयोध्या राम मंदिर को बिल्ड किया गया है नेक्स्ट वट विल बिल्ड इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द राम मंदिर कॉम्प्लेक्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए फोर टेम्पल्स एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ द कंपाउंड देयर आर फोर मंदिर जो कि डेडिकेट होंगे सूर्या देवी भागवती गणेश भगवान और भगवान शिव को इन द नॉर्दर्न आर्म इज अ मंदिर ऑफ अन्नपूर्णा एंड इन द साउदर्न आर्म इज अ मंदिर ऑफ हनुमान जी इज द नेम ऑफ द ट्रस्ट बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम मंदिर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण कार्य संपन्न किया है वो लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द अयोध्या राम मंदिर राइट आंसर विल भी ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वेन वॉज द फाउंडेशन इस्टोन फॉर द राम मंदिर लेट राइट आंसर विल भी ऑप्शन सी इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्थ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी को नरेंद्र मोदी हेड लेट द फाउंडेशन इस्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड राम टेम्पल इन अयोध्या How much time did it take to lay the foundation stone of Ram Temple after the Ayodhya dispute verdict? Right answer will be option A thirty years eight months twenty seven days. To Yap Yadra Kega. Next at which place has the name been registered in the Guinness Book by lighting four lakh lamps recently? Right answer will be option C Ayodhya. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सेट किया है अ न्यू रिकॉर्ड फॉर लाइटिंग 22.23 लाख दियाज ड्यूरिंग द अयोध्या दीपोत्सव फेस्टिवल व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ अयोध्या ट्रेन स्टेशन राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी अयोध्या धाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है अयोध्या एयरपोर्ट और द न्यूली बिल्ट रेलवे स्टेशन को वट इज द नेम ऑफ द होली रिवर फ्लोइंग नियर अयोध्या राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी सरयू अयोध्या के निकट बहने वाली पवित्र नदी का नाम सरयू है यह आप याद रखिएगा अयोध्या इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है नेक्स्ट विच एपिक इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद लोट रामा एंड अयोध्या राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी रामायण रामायण महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से असोसिएटेड है वट वॉज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर डेमोलिश्ड एट द डिस्प्यूट साइट इन 1992? आंसर क्या हो जाएगा पापरी मस्जिद 1992 में विवादित स्थल पर ढहाई गए ढांचे का नाम था पापरी मस्जिद ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स टुक द डिसीजन टू बिल्ड अयोध्या राम टेम्पल ऑप्शन right right हो जाएगा ऑप्शन ए फैजाबाद ईयर 2018 में यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था वेन वॉज द बाबरी मस्जिद अटैक राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए सिक्स दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद पर अटैक किया गया था नेक्स्ट हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन इन नाइनटीन राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी पी वी नरसिम्हा राव पी वी नरसिम्हा राव वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन इन नाइनटीन नाइनटी टू ही बिलोंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी Who was द president इन द ईयर 1992 when Bawri Masjid बाबरी मस्जिद Right डिमोलिश्ड राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1992 नाँटी में जब बाबरी मस्जिद टहाई गई थी उस समय भारत के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी Who was the Chief Minister of Uttar Pradesh at that time when Babri Majid was demolished? Right answer will option C. Kalyan Singh. Kalyan Singh was the Chief Minister of Uttar Pradesh at that time when Babri Majid was demolished. Next, how many judges of constitutional bench ruled in Ayodhya Ram Janmabhumi Babri Majid land dispute? Right answer will be option C. 5. तो अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में संवैधानिक पीठ के पांच न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था नेक्स्ट अमंग द जजेस इन्वॉल्व इन प्रनाउंसमेंट ऑफ अयोध्या डिस्प्यूट होवर द फोर जजेस बिसाइड्स जज रंजन गोगोई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अपो जज डी वाई चंद्रचूड़ जज शरद अरविंद बोबड़े जज अशोक भूषण जज अब्दुल नजीर और जज रंजन गोगोई और द फाइव जजेस इन्वॉल्व इन प्रोनाउंसमेंट ऑफ अयोध्या डिस्प्यूट इन द जजमेंट ऑफ अयोध्या डिस्प्यूट हाउ मेनी एकर्स ऑफ ऑफ लैंड गिवन फॉर द द कंस्ट्रक्शन मॉस्क राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी फाइव एकर्स अयोध्या डिस्प्यूट के जजमेंट में मॉस्क के कंस्ट्रक्शन के लिए फाइव एकर की जमीन दी गई विच हिंदू फेस्टिवल इज अबाउट लॉर्ड राम्स रिटर्न टू अयोध्या राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिवाली वेन वॉज बाबरी मस्जिद बिल्ट तो बाबरी मस्जिद को 1528 में बनाया गया था ऑप्शन सी इज द राइट आंसर वन डिट द सुप्रीम कोर्ट गिव इट्स अ फाइनल वर्डिक्ट इन अयोध्या डिस्प्यूट राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए नाइन्थ नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या डिस्प्यूट में अपनी फाइनल वर्डिक्ट दी थी नेक्स्ट हु इज कंसिडर्ड द सेंट्रल फिगर ऑफ डिवोशन इन द अयोध्या राम मंदिर राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड राम विच हिस्टोरिकल इवेंट इज एसोसिएटेड विद द डिस्प्यूटेड लैंड इन अयोध्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबरी मस्जिद डिमोलिशन अयोध्या की विवादित भूमि से बाबरी मस्जिद डिमोलिशन जैसे ऐतिहासिक घटना जुड़ी है वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द राम जन्मभूमि साइट इन अयोध्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम वट इज़ द नेम ऑफ द डीए टी इंस्टॉल्ड एट द अयोध्या राम मंदिर राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड रामा अयोध्या राम मंदिर में स्थापित देवता का नाम है लॉर्ड राम नेक्स्ट हु इज कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ रामायण राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी वाल्मीकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी को माना जाता है इनका नाम आपने याद रखना है फ्रेंड्स. ऑथर ऑफ दॉयम रामचरित मानस राइट आंसर ए तुलसीदास तुलसीदास इज द ऑथर ऑफ द एपिक पोएम रामचरित मानस इम्पोर्टेंट वट वॉज द ओल्ड नेम ऑफ अयोध्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साकेत तो अयोध्या सिटी को साकेत नाम से भी जाना जाता है या आपने याद रखना है फ्रेंड्स बाबरवाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी मुगल डायनेस्टी हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए आनंदी बेन पटेल आनंदी बेन पटेल इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो इसके बारे में देख लेंगे उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ ट्वेंटी फोर्थ जनवरी नाइनटीन फिफ्टी को इसकी कैपिटल लखनऊ है जो कि गोमती रिवर के किनारे स्थित है चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से हैं डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों बीजेपी पार्टी से हैं गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल हाईकोर्ट लगता है अलाहाबाद हाईकोर्ट इसका लेजिस्लेचर बाय है जिसमें काउंसिल की सीट्स हैं हंड्रेड और असेंबली की सीट्स हैं फोर राज्यसभा की सीट्स हैं थर्टी और लोकसभा सीट्स हैं एट्टी हु वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ राम मंदिर ट्रस्ट राइट आंसर विल भी ऑप्शन ए महंत नृत्य गोपाल दास महंत नृत्य गोपाल दास को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया था वॉट इज द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या राम टेम्पल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थ्री पॉइंट फाइव ईयर्स तो राम मंदिर को बनने में साढ़े तीन साल का समय लगा

इब्राहिम लोदी को डिफीट करके बाबर इंडिया आया था वट इज द मीनिंग ऑफ अयोध्या इन संस्कृत आंसर है अनकोरेबल अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फॉर्म अ ट्रस्ट फॉर द टेम्पल राम मंदिर अयोध्या ऑन द डिस्प्यूटेड टू पॉइंटी सेवन एकर्स ऑफ लैंड इन अयोध्या And to give 5 acres of land to Muslims for the construction of mosque. Answer ho jaega, Article 142. So Article 142 of the Indian Constitution ke tehat Supreme Court ne order diya Central Government ko to form a trust for temple on the dispute to 77 acres of land in Ayodhya and to give 5 acres of land to Muslims for the construction of mosque. तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू राम टेम्पल इन अयोध्या उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल रहे होंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।